हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का ये जो आपका सेशन है इट इज़ गेड टूवर्ड्स अगेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मेंस 2019। नाउ दैट योर प्रीलिम्स रिजल्ट्स आर आउट यू गाइस शुड बी इंटायरली फोकस्ड ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एंड हाउ टू गिव इट योर बेस्ट शॉट ताकि यू कैन गेट थ्रू इन द फर्स्ट को। एंड अगेन आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है दैट इज़ इनकम्प्लीट जब तक आपका प्रिपरेशन के अंदर ऑप्शनल डज नॉट प्ले अ ह्यूज पार्ट। तो ऑप्शनल में विदाउट स्कोरिंग बिग विदाउट हिटिंग ह्यूज सिक्सेस इन योर ऑप्शनल यू कांट एंड अप गेटिंग अ ग्रेट रैंक और गेटिंग अक्रॉस थ्रू UPSC। ठीक है, तो ये जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है हम ये लॉन्च कर रहे हैं फॉर पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स। राइट, हमने ये शुरू कर दी थी 30 जून ऑनवर्ड्स एंड वी आर री लॉन्चिंग दिस टेस्ट सीरीज़। तो ये जो टेस्ट हैं एज दे गो ये जो है आपकी प्रेपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसके अंदर 8 टेस्ट हैं, 4 सेक्शनल टेस्ट हैं ताकि आपका हर सेक्शन जो है अच्छे से प्रिपेयर हो सके। राइट, सो हर सेक्शनल टेस्ट जो है उसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शनल टेस्ट का जो सिलेबस है वो अच्छे से दिया गया है ताकि आप एक एक जो कॉम्पोनेंट है ऑफ द सिलेबस उस पर कॉन्सेंट्रेट करके हर कॉम्पोनेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके ताकि दोनों ही जो पेपर्स हैं फॉर योर PSIR ऑप्शनल उसके अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, 4 सेक्शनल टेस्ट के बाद आपके जो होंगे 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे टू एक्चुअली प्रिपेयर यू बोथ ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द इंटायर सिलेबस, साथ ही में किस तरह से आप टाइम मैनेज करते हैं एंड किस तरह से हर सेक्शन को आप अपनी बेस्ट टू द एबिलिटी करके इनकाउंटर उसमें मार्क्स ले सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू जो है आपको अगेन जो है आपने जो इम्प्रूवमेंट्स की हैं आपको जो पता लगा होगा कि सेक्शनल टेस्ट के अंदर कौन से सेक्शन में मैं वीक हूँ उसके अंदर आपके फुल लेंथ टेस्ट के अंदर यू कैन एक्चुअली बिल्ड अप ऑन योर वीकनेसेस एंड उसको आप और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। टेस्ट के अंदर आपकी जो आंसर शीट्स हैं वो इवेल्युएट की जाएंगी, साथ ही में डिटेल्ड फीडबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड व्हेन वी से फीडबैक वी डोंट मीन कि आपके जो है सिर्फ मार्क्स लिख के ओके आंसर फाइन आंसर लिख दिया जाएगा, बट वी विल बी एक्चुअली पुटिंग अक्रॉस कि क्या क्या कमियां हैं, कहां पे बेहतरी हो सकती है, जो आपके मिस्टेक्स हैं उनको प्रॉपरली पॉइंट आउट किया जाएगा। राइट, सो इट विल बी अ डिटेल्ड फीडबैक नॉट बाय समवन एल्स चेकिंग द पेपर्स बट इन फैक्ट द फैकल्टी इटसेल्फ लुकिंग एट योर पेपर्स ताकि आपके जो नेसेसरी इम्प्रूवमेंट है वो अच्छे से हो पाए। साथ ही में मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियोस के अंदर जो रिलेटेड मॉडल आंसर्स हैं उनकी डिस्कशन भी की जाएगी। राइट, अब इन द जो आगे आने वाली स्लाइड है उसके अंदर जो है हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया था जो कि हमारे पहले राउंड ऑफ टेस्ट में आया था। और ये जो टेस्ट था इट डेल्ट विद पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता था मॉडर्न डेमोक्रेसीज फेस द डिलेमा ऑफ इक्वालिटी एंड डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप, वॉट इज दिस डिलेमा एंड एग्जामिन इट्स वेरियस फैसेट्स। ठीक है, सो ऐसे जो है वेरियस कॉन्सेप्ट्स आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हो, आपने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सिटीजनशिप में इक्वालिटी क्या रोल प्ले करता है वो आपने देखा है, साथ ही में आपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप ये सब भी देखा है। ठीक है, साथ ही में हम डेमोक्रेसीज का तो जो चीज़ें हैं वो पढ़ते ही आ रहे हैं। सो हाउ डू यू इंटर रिलेट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स और आप इसको कैसे एक आंसर के अंदर फिट करते हैं उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में इसमें क्या देखा है, हमने बोला है कि इसके अंदर डिलेमा क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की गई हैं वो भी हमने देखने, और क्या क्या इसके वेरियस फैसेट्स हैं, क्या क्या इसके वेरियस फीचर्स हैं हमने वो भी देखना है। तो एक बहुत ही वेल राउंडेड आंसर जो है आपको पेश करना पड़ेगा जहाँ पर आप ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर यू हिट ऑन देम स्लोली एंड स्टेडली इन एवरी पैराग्राफ। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि किस तरह से हमने डेवलप किया इसका मॉडल आंसर, किस तरह से हमने जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंटरलिंक किया। तो हमने शुरू किया बाय द आइडिया कि सिटीजन आखिरकार होता क्या है, क्योंकि हर डेमोक्रेसी जो है एट द एंड ऑफ द डे डिपेंडेंट है ऑन क्या, सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स जो कि एम्पावर करते हैं, जो कि पॉपुलेट करते हैं डेमोक्रेसीज को। सिटीजन कौन है, सिटीजन अब हम बोलते हैं एक मेंबर है किसी पोलिटिकल कम्युनिटी का और वो बिकॉज ही इज़ द पार्ट ऑफ दिस पोलिटिकल कम्युनिटी वो इंजॉय करते हैं कुछ राइट्स एंड इन एक्सचेंज वो निभाते हैं कुछ ड्यूटीज इस मेंबरशिप के
एक्सचेंज में, राइट। और जो डेमोक्रेसीज है, डेमोक्रेसीज किस पे बेस्ड है? डेमोक्रेसीज एसेंशियली बेस्ड है ऑन द आइडिया ऑफ इक्वल सिटीजनशिप। जब हम डेमोक्रेसी में बात करते हैं, द आइडिया ऑफ के डेमोक्रेसी क्या है, इट इज द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है। एंड जब हम इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि सबके पास इक्वली अधिकार है कि वो क्या कर सके, कि वो हिस्सा ले सके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, बोथ बाय बीइंग वोटर्स, ठीक है, साथ ही में बाय हैविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली अप्लाई फॉर पब्लिक ऑफिस, साथ ही में आपके डेमोक्रेसीज के अंदर जो आपके फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच जो होता है, उसके थ्रू जो है आप एक डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट, मूविंग, कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिंग भी रखते हैं। मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस क्या किया गया है, यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसीज नहीं, यहाँ पे मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात जो है वो की जा रही है। क्यों? क्योंकि एंशियंट डेमोक्रेसी जो होती थी उसके अंदर हम क्या देखते थे, वहाँ पे एक नोशन ऑफ सिटीजन होता था, जहाँ पे एक हायरार्की ऑफ पीपल क्रिएट हो गई थी, कुछ एक सर्टन ग्रुप होता था, एक बहुत ही एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता था जिसको सिटीजनशिप के राइट्स मिलते थे, राइट, जैसे कि आप एरिस्टोटल के फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है, विमेन वर एक्सक्लूडेड, स्लेव्स वर एक्सक्लूडेड, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल एंडेड अप बीइंग एक्सक्लूडेड। सो अनलाइक बीइंग दिस एक्सक्लूजनरी मॉडल, जो मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज है, दे आर एक्सट्रीमली इंक्लूसिव इन द सेंस कि इनके अंदर जो है वेरियस सिटीजन जो है सबको, सारे लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं विदाउट एनी सच एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। और इसीलिए ये एंशियंट वन से इतनी ज्यादा जो है डिफर करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही इगैलिटेरियन इनकी फाउंडेशंस है, बहुत ही एक इक्वालिटी ओरिएंटेड जो है इनकी फाउंडेशंस है, ठीक है। साथ ही में जहां पे आपकी एंशियंट डेमोक्रेसीज के अंदर जो है एक ज्यादा रिपब्लिकन फॉर्मेट होता था, जहां पे खुद ही आप रूल करते थे, खुद ही आप गवर्न होते थे, जो आपकी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, दीज आर मोर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर, ठीक है। सो इसीलिए जो है ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात हो रही है। मूविंग ऑन, नाउ वी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ दिस सिटीजनशिप की इक्वालिटी किस तरह से इन्फॉर्म करती है सिटीजनशिप को, क्या मॉडल है। और टीएच मार्शल जो थे, उन्होंने ये जो इक्वालिटी बेस्ड मॉडल ऑफ सिटीजनशिप थी उसकी बात की थी, जिसको उन्होंने बोला था यूनिवर्सल कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप। क्योंकि ये इक्वल राइट्स पे बेस्ड है, मतलब सबको जो है ये इक्वली मिल रही है, मतलब ये यूनिवर्सली अवेलेबल है, ठीक है, और इसीलिए इसको एक यूनिवर्सल कंसेप्चुलाइजेशन बोला गया था, जहां पे सिटीजन जो है उनको एक आइडेंटिकल स्टेटस, एक आइडेंटिकल लीगल स्टेटस जो है दिया गया है, से इन दिया स्टैचुएट, इन दिया वेरियस लॉज, इन और इन दिया फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे उनके पास आइडेंटिकल सेट ऑफ सिविल, पोलिटिकल एंड सोशल राइट्स हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया है, राइट, इंडिया के अंदर अगर बात की जाए आपके फंडामेंटल राइट्स की, वो इक्वली ग्रांटेड है टू वन एंड ऑल, ठीक है, जो कि सारे मेंबर्स, जो सारे सिटीजन्स ऑफ द पॉलिटी, उनको ग्रांट किए गए हैं। और मार्शल का ये जो थीसिस था, ये आया था स्पेशली इन द वेक ऑफ योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपकी 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जहां पे वर्किंग क्लास जो है उनकी इंटेग्रेशन देखी जा रही थी विद इन द सोसाइटी। तो जो शुरुआत हुई, ठीक है, वो इसके बाद से हुई, ठीक है, कि कैसे धीरे धीरे वेव्स में आपके जो राइट्स आए, एंड जैसे जैसे राइट्स आते रहे, उनके थ्रू इस्टैब्लिश हुआ द आइडिया ऑफ इक्वल सिटीजनशिप, ठीक है। और जब से ये, तब से इस्टैब्लिश हुआ आइडिया जो है, अब सारी ही लिबरल डेमोक्रेसीज में एक नॉर्म बन गया है। एंड रॉल्स जो है, रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसी में इस आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात होती है, जहां पे जो लोग हैं, जो कि सिटीजन्स हैं, उनको इक्वल क्लेम्स ये जा रहे हैं ओवर सर्टेन प्राइमरी गुड्स, ठीक है। तो टीएच मार्शल एंड रॉल्स जो है हमने मेंशन कर दिए इन दिस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, जिसको हम एक इक्वालिटी बेस्ड आइडिया जो है कहते हैं। मूविंग ऑन, अब डिलेमा की बात की जाए विजवी आपका ये जो इक्वल यूनिवर्सल कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप था, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म था, उसको लेके जो डिलेमास और जो कुछ कंफ्यूजन थी और उसको लेके जो क्वेश्चंस थे, वो उठे इन द फेस ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म। एज सोसाइटीज बिकेम मोर एंड मोर हेट्रोजीनियस, एज सोसाइटीज बिकेम मोर एंड मोर डाइवर्स, एज दे बिकेम मोर एंड मोर प्लूरलिस्टिक, ये यूनिवर्सलिस्टिक मॉडल तो था, उसके अंदर काफी कमियां देखी गई। एंड इनफैक्ट उन्होंने बोला कि एक ये जो आप ब्लैंकेट इक्वालिटी दे रहे हैं, एक ये जो ब्लैंकेट यूनिवर्सल मॉडल दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली केटरिंग टू द कॉज ऑफ इक्वालिटी, ये भी एक्सक्लूजनरी बन जाता है। ये एक्सक्लूजनरी क्यों बन जाता है, कि पहली चीज तो आप क्या कर रहे हो,
आप ये जो डिफरेंट प्लूरल ग्रुप्स, जो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स हैं, उनके जो डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स हैं, गिवन उनकी जो किस कल्चर में वो सिचुएटेड हैं, राइट, आप उसको नहीं देख रहे हो, बल्कि आप एक कॉमन जनरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, जो कि ऑफन इज नॉट इनफ. बाय इग्नोरिंग उनकी जो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके जो यूनिक पर्सपेक्टिव्स हैं, आप क्या करते हो कि एक जो मेजोरिटेरियन कल्चर और ट्रेडिशन और उसके कस्टम्स चले आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ये मेजोरिटी कल्चर जो है एक जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी जैसे हमारी नाउस फाउंडेशन का जो जजमेंट आई थी बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट, ठीक है, वहां पे क्या बोला गया था कि एक बहुत ही छोटी एक माइनॉरिटी है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं जब हम LGBTQIA राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने मेन स्ट्रीम या मेजॉरिटी कल्चर, जो एक्सेप्टेड कल्चर है, किसको मान लिया, जो अब हमारे हेट्रोनॉर्मेटिव जो रिलेशंस है जो एग्जिस्ट करते हैं, वो मेजॉरिटी कल्चर है, वो पर्सपेक्टिव है, एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द LGBTQIA कम्युनिटीज वॉज इग्नोर्ड. तो यहां पर क्या हो रहा है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन गया, मेजॉरिटी कल्चर, एंड जो सिचुएटेड पर्सपेक्टिव है ऑफ ऑफन माइनॉरिटीज, ऑफ ऑफन द मार्जिनलाइज पीपल, उनका जो पर्सपेक्टिव है दैट एक्चुअली बिकेम इग्नोर्ड. एंड इसी पहले पॉइंट से फ्लोज आउट योर नेक्स्ट, योर सेकंड क्रिटिसिज्म, जो बोलता है कि जो लॉज और पॉलिसीज बनते हैं वो डिफरेंस ब्लाइंड होते हैं. क्या अगर आप न्यूट्रलिटी, अगर आप न्यूट्रल लॉज जो है बनाएंगे, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड इट, एक underlying it implicit prejudice या bias बन जाता है against the identities of the minority and towards the identities of the majority group. For example, अगर हमारे पास affirmative action ना होता and Indian constitution जो है blanket right to equality, prohibition of discrimination जो है दे देता, ठीक है, and equality of opportunity जो है वो दे देता. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, apparently तो हम neutrally जो है act कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने हर किसी को opportunity दे दी कि आपके पास कंपटीशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप कंपीट कर पाए या किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर पाए, बट हम डिफरेंस ब्लाइंड हो गए हैं अगेंस्ट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो जो हिस्टोरिकल एक जो इनजस्टिसेस सही हैं वेरियस ग्रुप्स ने, सच एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इवन विमेन, राइट, बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि उन लोगों ने पहले ही कितने जो है किस तरह से उनको जो है एक बैकफुट पे डाल दिया गया है बिकॉज ऑफ द पास्ट डिस्क्रिमिनेशंस, हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, ऑन द नेम ऑफ गिविंग देम एन इक्वल प्लेटफॉर्म, हम एक्चुअली इनइक्वालिटी को जो है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. तो ये जो दो आइडियाज हैं, ये मेन क्रिटिसिज्म उभर के आए अगेंस्ट दिस यूनिवर्सल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप. राइट, नाउ मूविंग ऑन, ये जो क्रिटिक्स थे यूनिवर्सलिज्म के, उन्होंने बोला एक अल्टरनेटिव, एक डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप जो है हमें चाहिए. राइट, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बात की कि आपको लिए जरूरी है कि आप अक्नॉलेज करें जो पोलिटिकल रेलिवेंस है, जो लोगों के अंदर जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उसके रेलेवेंस को जो है आप एक्नॉलेज करें, और ये डिफरेंसेस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, जेंडर रिलेटेड, क्लास रिलेटेड, रेस रिलेटेड, कास्ट रिलेटेड, ठीक है. सो ये जो वेरिंग डिफरेंसेज है इनको रिकोगनाइज करना जो है बहुत जरूरी है, एंड रिकोगनाइज करते हुए ही कि पोलिटिकली इनके क्या क्या अंडरटोन्स हो सकते हैं वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट, एंड इसीलिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले जरूरी है कि आप ये जानिए कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो रिपब्लिक है, ठीक है, वो उसके अंदर एक पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां पे इतने प्लूरल, इतने डाइवर्स ग्रुप्स हैं, इसलिए यहां पे जो है मेनी पर्सपेक्टिव्स हैं, एंड अ डेमोक्रेसी थ्राइव्स ओनली व्हेन ऑल ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड आर इक्वली एक्नॉलेज्ड. सेकेंडली उन्होंने बोला कि ये जो इक्वल रिस्पेक्ट जो आप ग्रांट करने की बात कर रहे हो, उसके अंदर जरूरी है कि आप डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड रिकग्निशन भी जो है अकॉर्ड कीजिए एंड आप प्रोवाइड कीजिए कुछ स्पेशल माइनॉरिटी राइट्स को. एंड इसी के अंदर जो है आयरिस मैरियन यंग जो है बात करती हैं ऑफ द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, जो कि हेल्प करेंगी कि आप इंक्लूड भी कीजिए इन वेरियस माइनॉरिटी ग्रुप्स को, बट बाय ग्रांटिंग देम सर्टन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बाय ग्रांटिंग देम सर्टन डिफरेंट राइट्स, बाय ग्रांटिंग देम सर्टन डिफरेंट ग्रुप राइट्स, आप उनकी ये जो डिफरेंसेस है उसको भी सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है. हाउएवर इस डिफरेंशिएटेड
सिटीजनशिप के साथ भी जो है काफी क्रिटिसिज्म आया, ठीक है। अब डिलेमा इसके साथ भी उभर के आ गया, उन्होंने बोला कि अगर ये जो डिफरेंसेस को हम इतना सेलिब्रेट करने लगे तो ऐसा भी हो सकता है दैट पीपल इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मोर सिविक ओरिएंटेड, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हम लोगों ने और बाहर जाके जो है पूरे सिटीजनशिप ग्रुप के साथ बात करनी है, क्या होगा दैट दे माइट एक्चुअली वापस जो है अपने प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर ही चले जाएंगे, क्योंकि ग्रुप्स जो है हावी हो जाएंगे ओवर दी सिटीजनशिप का जो आइडिया है। सेकेंडली उन्होंने यही बोला कि जो पॉलिसीज जो कि डिफरेंस ब्लाइंड यूनिवर्सलिज्म के अगेंस्ट आती हैं वो क्या कर सकती है, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस सो एक आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, एक आइडिया ऑफ फ्रटर्निटी जो कि इम्बाइब्ड है विद इन सिटीजनशिप, दे माइट जस्ट एंड अप इरोडिंग दोज आइडियाज, ठीक है। और इसी को एड्रेस करने के लिए मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया लाते हैं विल किमले का, जिन्होंने बोला कि हम तीन टाइप ऑफ डिमांड जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब डिफरेंशिएशन की बात की जाए, ठीक है। उन्होंने बोला एक होते हैं आपके स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स जो कि स्पेशली बनाए जाते हैं डिसएडवांटेज या माइनॉरिटी या जो आपकी मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो मार्जिनलाइज डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकल इनजस्टिस शुरू फेस की हैं उनके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके मल्टीकल्चरल राइट्स, ठीक है। मल्टीकल्चरल राइट्स है फॉर माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है, इमिग्रेंट्स, वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स जो आ रहे हैं एंड डाइवर्स बना रहे हैं सोसाइटी में, उनके लिए ये मल्टीकल्चरल राइट्स है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी नेशनल माइनॉरिटीज हो सकती हैं जिनको सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन का विद इन द स्टेट जो है कुछ राइट्स दी जाए ताकि वो अपनी पॉलिटिकल जो रेलेवेंस है वो एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ही उन्होंने बोला कि जो आपके जो राइट्स हैं जहाँ पे बात की जाए, जो आपकी मल्टीकल्चरल राइट्स हैं और जो आपके सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स हैं, ठीक है, ये डिमांड्स जो है ये जरूरी है इन ग्रुप्स को जो नेशनल माइनॉरिटीज हैं एंड जो रिलीजियस इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं उनको इंक्लूड करने के लिए इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। जो आपके स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट है जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स को दिए गए हैं, ठीक है, इनको आप टेम्पररी मेजर्स जो है समझ सकते हैं जो कि एलिवेट करेंगे और रिमूव करेंगे ऑब्स्टिकल्स जो कि इन हिस्टोरिकली एडवांटेज ग्रुप्स जो है ये जो फेस करते हैं, ताकि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है और इनकी जो वॉइस है इन मेजोरिटेरियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो अच्छे से उभर के आ सके। एंड यही बात होती है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे डेलिकेट बैलेंस जो है यूनिवर्सल एंड डिफरेंशिएटेड मॉडल्स के अंदर वो मेंटेन किया जा सके, ताकि जो सक्सेस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज वो उभर के आ सके। एंड यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया का एंड बात कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ओरिएंटेड है ना कि सिर्फ ये एक यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन के ऊपर जहां पे इक्वालिटी ग्रांट की गई है टू ऑल सिटीजंस, बट यहां पे समझा जाता है कि किस तरह से डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। एंड इसीलिए आपके जो वेरियस राइट्स हैं फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ आपके जो सोशल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, आपके जो कल्चरल राइट्स हैं, ठीक है, आपके तो वो आपको अफोर्ड करते हैं मल्टीकल्चरल राइट्स भी, साथ ही में योर आइडियाज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन या जो रिजर्वेशन है, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन जो कि कम्स इन एज एक्सेप्शन टू योर आर्टिकल्स 15 and 16, ठीक है, ये कितना ज्यादा क्रूशियल है इन पुशिंग फोर्थ दिस आइडिया ऑफ अ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, ठीक है। सो इस तरह से जो है हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो है जो वेरियस कॉन्सेप्ट जो कि ऑफन इग्नोर हो जाते हैं उनकी भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो ये जो है आपका एक जो शेड्यूल वो ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, वो प्रोवाइड किया गया है, आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टेस्ट हो गए हैं यू गाइस कैन गो राइट देम, ठीक है, ये इवैल्यूएट किए जाएंगे, इनको चेक किया जाएगा, इनका फीडबैक जो है भेजा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से जो है ये टाइम टेबल को रीचेक करके खुद जो है ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल जो है प्रोवाइडेड है, सेक्शनल टेस्ट के अंदर 10 questions होंगे, फुल लेंथ टेस्ट जो है उनके अंदर 20 questions आएंगे, ठीक है। आपको जो है जैसे ही आप एक्सेस करते हैं कोर्स तो विद इन 2 weeks जो है आप भेजने शुरू कर सकते हैं अपने जो आंसर्स हैं, ठीक है, और जो इवैल्यूएटेड कॉपीज है वो आपको वापस भेजी जाएंगी। जो प्राइस था इस टेस्ट सीरीज का दैट वाज एट 6999 व्हिच हैज बीन कट फॉर टिल द जो आ रहा है संडे दैट इज टिल योर 21st of July, एंड ये जो टेस्ट सीरीज है यू कैन बाय देम एट द रेट ऑफ 5999, राइट। थैंक यू। सो कीप स्टार्टिंग, अपने ऑप्शनल के ऊपर जो है ध्यान देते रहिए, उसको जो है कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर क्लियरिंग ऑफ योर मेन्स, राइट। थैंक यू।